नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सीताफल की मंडी कहे जाने वाले पठारी में आज सीताफल को तरस रहे हैं लोग। पठारी के नाम से सीताफल मुंबई, दिल्ली, भोपाल, आगरा एवं अन्य शहरों में बिकता था। विदिशा जिले के पठारी के नाम से बिकने वाला सीताफल वह फल है जो बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी को पसंद है। आज इस फल के लिए खुद पठारी वाले तरस रहे हैं। बहुत पहले की बात है कि यहां से हर रोज कच्चे सीताफल के ट्रक भरकर दिल्ली, आगरा, भोपाल, इंदौर एवं अन्य जगह जाते थे, परंतु सरकार की लापरवाही के कारण आज यह कंडीशन है कि सीताफल देखने को भी नहीं मिल रहा है। नगर के रहवासी जफर चाचा उम्र 70 वर्ष ने बताया कि पठारी में लगभग 15 से 20 वर्ष पहले पठारी सीताफल की बहुत बड़ी मंडी कहलाती थी। यहां से सीताफल ट्रक भराकर आगरा, दिल्ली, भोपाल, सागर, विदिशा एवं अन्य शहरों में भिजवाए जाते थे, पर आज यह स्थिति है कि धीरे धीरे सीताफल के पेड़ लुप्त हो गए हैं। पहले क्षेत्र में सीताफल 20 से 50 की डलिया में बिकता था, पर आज वही सीताफल 300 से 1000 रुपये डलिया में बिक रहा है। इस बार बारिश के कारण एक दो माह पहले ही सीताफल की फसल आ गई। विदिशा पठारी से कैमरामैन नेताराम साहू के साथ आशीष शहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अब के मंडी मानी जाती थी सीताफलों की, पठारी बहुत दूर दूर तक जाती थी सीताफल, आगरा है, दिल्ली है और मथुरा है, इधर सब जगह जाते थे और सीताफलों की कसम जी लापरवाही से ये कटने मटने से सारे खत्म हो गए सीताफल, और का इधर बेरोजगारी आ गई सीताफलों में। कम से कम 2 महीने 2.5 महीने उनका धंधा चलता था, और अब जो नए नए पेड़ पौधे लगे हैं वो जल्दी पानी गिरा, बारिश होने से फसल आ गई तो बस वो जल्दी से उतार लिए आदमियों ने। नहीं अपने सीताफल पठारी के सीताफल की खबर है। हम कब किया है बाड़े में जब की लगी जी साफ सफाई।
सब्जी को बना रहे थे।